इमरान खान की बकलोली अमेरिका से आने के बाद शेयर बाजार के सूचकांक की तरह ऊपर नीचे हो रही है। अमेरिका से भीख नहीं मिली तो इस जनाब ने इज्जत बचाने के लिए तहमंद वाले देश को कास्टिक सोडा से धोने की कोशिश की। इसने बकलोली कर दी कि पाकिस्तान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाकर बराबरी के दर्जे और आंखों में आंखें डालकर बात करने की नीति पर काम करेगा। ऐसा इस जनाब ने विपक्षी पार्टी के उस ताने के बाद कहा जिसमें पूछा गया था इमरान के कटोरे में अमेरिका से क्या मिला है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का अधिकतर तबका इमरान ट्रंप के कश्मीर बयान को इमरान की असफल सरकार से ध्यान हटाने का हथकंडा मान रहा है। पाकिस्तान में इस बयान पर मचा जश्न भारत की प्रतिक्रिया के बाद साबुन के झाग की तरह बैठ गया है। परंतु पाकिस्तान के इस भिखारी आजम के बराबरी वाले सिद्धांत का दुखांत बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी मदरसों की पैदाइश कितनी मक्कार और झूठी होती है। इनकी नसों में मौजूद मुगलों का डीएनए इन्हें कितना निम्न दर्जे का कूटनीतिज्ञ बनाता है। दरअसल अमेरिका से खाली कटोरा लेकर लौटा भीख मंगा पाकिस्तान किसी से बराबरी से बात करने लायक नहीं है। यह भीख और झूठन पर पला मुल्क है। यदि इसी बकलोल इमरान खान की बात की जाए तो इसने अपने इतिहास में एक साल के भीतर पहली बार $16 अरब का कर्ज लिया है। यह कर्ज मुख्यतः पहले से लिए गए कर्ज पर ब्याज को चुकाने और आयात बिलों को चुकाने के लिए लिया गया। 2018-19 के वित्त वर्ष में इसी बकलोल इमरान खान भिखारी की सरकार का 11 महीने का कार्यकाल भी इसमें शामिल है। मतलब $16 अरब के कर्ज में इस भीख मंगे वजीर आजम ने $13 अरब 60 करोड़ का कर्ज लिया है। यह देश में एक साल के दौरान किसी भी सरकार द्वारा लिया गया सर्वाधिक कर्ज है। शेष $2 अरब 40 करोड़ का कर्ज जुलाई 2016 में अंतरिम सरकार द्वारा लिया गया था। $16 अरब के कर्ज में $5 अरब 50 करोड़ सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से लिए गए हैं। पर कमाल की बात यह है कि इमरान चतुराई से उक्त कर्ज को नहीं दिखाकर $10 अरब 50 करोड़ को कर्ज के रूप में दिखा रहा है। $5 अरब 50 करोड़ स्टेट बैंक पाकिस्तान की बैलेंस शीट में दर्ज करा दिए हैं। मतलब यह पैसा बजटीय कामकाज का हिस्सा नहीं होकर स्टेट बैंक के रिज्यूम में तब्दील कर दिया गया है। यह तहमंद खान अमेरिका में कश्मीर का रोना रोने नहीं गया था। इसका उद्देश्य अमेरिका से भीख मांगना और FATF से अपने पायजामे के नाड़े को छुड़ाना था। मगर जब अमेरिका में घुसते ही पूरे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होनी शुरू हुई तो यह अपनी मुगल छाप वाली धूर्तता पर उतर आया। इसे एहसास हो चुका था कि अगर ओवल में मुद्दों पर बात हो गई तो तहमंद खान पाकिस्तान में कौन सा मुंह लेकर जाएगा। इसलिए इन्होंने ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं की नासमझी का फायदा उठाने की प्लानिंग तैयार की, जिसमें पाकिस्तान ने उन सभी मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिनकी सूची बनाकर तहमंद खान पाकिस्तान से कतर एयरवेज की फ्लाइट में बैठा था। कमाल की बात यह है कि इस बैठक में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर कार्रवाई के मुद्दे को किनारा करके सारा फोकस कश्मीर पर केंद्रित कर दिया गया। इस मुद्दे पर ट्रंप इतना उलझे कि वह पाकिस्तान से किए जाने वाले सवालों को ही भूल गए, जबकि मीटिंग के लिए सीमित वक्त को पाकिस्तान ने इसी मुद्दे पर जाया कर दिया। खास बात यह भी है कि व्हाइट हाउस के सामने बने ओवल कार्यालय में ट्रंप भी बिना तैयारी के चले गए थे। पाकिस्तान का यह वजीर आजम अब अपनी उसी धूर्तता को पाकिस्तानियों के नग्गे बदर पर च्युइंगम की तरह चिपकाकर उनसे गधैया नर्तक करा रहा है। पर सवाल भी उन्ही लोगों के उठ रहे हैं। वे इस वजीर आजम से आज 25 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में जलसे करके पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या मिला। उन्होंने बकराईद के लिए नए तहमंदों का जो दावा किया था उसका क्या होगा, यानी अपने तहमंद सबल नहीं रहे, कश्मीर के सलवार का कपड़ा खरीदने चले गए। मतलब साफ है पाकिस्तान के इस तहमंद खान की धूर्तता अब इसी के तहमंद में आर पार हो रही है। अमेरिका से बिना कोई समझौते किए लोटा बकलोल पाक वजीर आजम अब अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बच जाने से थोड़ी राहत की सांस ले रहा है। उसे पता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका में खुरापाती ट्रंप के सामने ऐसी चाल नहीं चलता तो पूरे पाकिस्तान की तस्रीफ पर कैक्टस के पौधे उग चुके होते। इसलिए असली मुद्दे को छिपाकर यह गिरगिट अपनी पीठ पर घी लगवा रहा है। बड़ी बात यह है कि मदरसा कौम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहकर पाकिस्तान के 42% गरीबों को रमजान रमजान कहकर गधैया नर्तक करा रही है। शायद उन्हें नहीं पता कि उनके लिए इमरान ही रमजान का चोला पहनकर आया है। रमजान में तो एक महीने खाली पेट रहकर संतोष कर लिया जाता है,
पर इमरान की सरकार में तो रोज कंगाली में आटा गीला होकर बहा जाता है। इसलिए बराबरी की बकलोली करने वाले पाकिस्तान के फटेहाल रमजान उर्फ इमरान का कश्मीर राग दो दिन से ज्यादा नहीं चला। अगर अमेरिका से कुछ भीख मांग लाते या FATF पर ट्रंप को समझा पाते तो कम से कम दरिद्रता में दम तोड़ रही पाकिस्तान की जनता की उम्मीदें तो जग जाती। पर यह पाकिस्तान है, अगर इसे ऐसे विकास का हिस्सा ही बनना होता तो यह भारत से अलग ही क्यों होता। इसकी नस्ल में विकास नहीं विरोधाभास है, इसलिए फूटिस्तान है जो रोज फटता है, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी उन तैमंद के नाम पर जिनके ऑर्डर इसे हर बार कैंसिल कराने पड़ते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।